हाय गाइस, आई एम शैलेंद्र एंड टुडे वी आर एट टेंथ इन टैटूज। आई एम श्योर आप लोगों के बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे, या टैटू कैसे बनवाएं, कहां से बनवाएं, कितना पैसा लगेगा, सेफ है या नहीं है। तो चलो आज आपको मिलवाते हैं टेंजिन टैटू के ओनर से, टेंजिन से। तो चलो मिलवाते हैं आपको आगे अंदर टेंजिन से। Thank you so much for giving us time today, and I'm pretty sure people who will watch this interview will learn a lot of things from you. So Tenzin, before I tell people about you, because you know, I have read a lot of things, I have seen your videos, why don't you tell people thoda sa apne bare mein ki kaise kaise background raha, kaise aapne start kara, because you know you today you are one of the top notch tattoo artists in Delhi. So agar thoda sa apne background ke bare mein bataye to please. I have started since like from my childhood. मैं बचपन से drawing, painting वगैरह मुझे पसंद था. Okay. तो चीजें वहीं से start हुई. तो probably class 5 से मैं class 5 पे अपना जो all India drawing competition वगैरह में हिस्सा लिया, वहाँ पे 10 nomination में आया. उसके बाद थोड़ा बढ़ता गया, focus ज्यादा ही बढ़ता गया. मुझे लगा कि मेरा ये ज्यादा in the future ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट होगा. Okay. तो मैं इन चीजों में ज्यादा ध्यान देता, पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई पे भी ध्यान देता था. तो पढ़ाई के साथ अपना आर्टिस्टिक ये जो फील था चलता रहा स्कूल टाइम से. हाँ, क्योंकि इवन आप यकीन नहीं करोगे, व्हेन मैं क्लास 9 पे था, मेरे क्लास के अंदर थे करीब 49 स्टूडेंट्स एंड आई वाज द सेकंड पोजीशन इन स्टडी. उस समय भी क्लास के टॉपर रह चुके. हाँ, आई वाज दैट. तो उसके बाद जब मैं क्लास 10 11 12 आया, तो उसके दौरान बीच में ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन होने लगे स्कूल में, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, पेंटिंग वगैरह, बैनर वगैरह. तो उन चीजों में भी मैं खुद शौक था, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट भी थे. लेकिन मेन चीज ये रहता है कि आर्टिस्टिक कितना आप यूज कर सकते हो, कितने क्रिएटिव आप हो सकते हो. एग्जैक्टली चीज को लेकर. हाँ, तो फिर लकली आई वॉज द फर्स्ट. तो उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ थ्रू माई हेल्प ऑफ माई करियर काउंसलर फैशन डिजाइनिंग करने के लिए. So you have done fashion designing as well? नहीं, पूरा नहीं. I just enter for 2 months in Bangalore, Rai Institute. Okay. तो फिर मैंने इन चीजों में ध्यान दिया था. तो फिर suddenly somehow like I feel like कि this is not cup of my tea. Okay. तो उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया. Then I came into this hash salon. Yeah, exactly. तो इन चीजों में मैं आ गया. तो probably I started this with Habib. Okay. हाँ, हबीब के साथ किया. देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर 3 years एज अ सीनियर हेयर ड्रेसर. तो आपने हबीब के पास 3 साल तक. नहीं, हबीब से मैंने ट्रेन की. अच्छा, हबीब से आपने ट्रेनिंग करा. एग्जैक्टली. और आपने सलोन में एज अ हेयर ड्रेसर, सीनियर ड्रेसर. हाँ, 3 साल तक आपने वहाँ पे जॉब भी करी है. एग्जैक्टली. तो इवन वो करने के बाद भी मेरे को वो नहीं थी जो चाहत होती है ना, वो किक नहीं मिल पा रही. एग्जैक्टली, वो नहीं हो रहा था मुझे कि यही मेरा लाइफ
क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम में मेरे को इंटरेस्ट है, मेरा ये करने का मन है, मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था. तो somehow like at last जो मेरा हॉबी था मुझे वही मुझे मिल गया एग्जैक्टली, टैटू. वो भी टैटू के तौर पे. तो फिर मैं उस पर फोकस करने लगा, मुझे ज्यादा आसान था क्योंकि मैं गुड इन स्कूल टाइम से स्केचिंग करते हैं. एग्जैक्टली. तो मेरे ज्यादातर जो भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अब मिलते हैं मुझे ये 15-16 साल के बाद, वो लोग बोलते हैं तुम ना कुछ कुछ ना तो डेफिनेटली आर्ट में तो कुछ करेंगे. तो मैं बोलता था डेफिनेटली यार, उस समय में ये ऐसे समय था, मैंने कभी सोचा नहीं मैं टैटू में आऊंगा. तो फिर करता गया टैटू में आ गया. देन समहाउ लाइक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कंटिन्यूसली लाइक. तो अभी कितना टाइम हो चुका है आपको टैटू एज अ टैटू आर्टिस्ट? मैंने स्टार्ट किया 2005 से स्टार्ट किया था इस लाइन पे. तो उसके बाद से लेके प्रोबेबली 2018 के फेब फेब से मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया टेंजिन करके, टेंजिन टैटूज के नाम. हाँ. So 2018 में आपने अपना ब्रांड लॉन्च करा टेंजिन टैटूज. हाँ जी. ठीक है, बहुत. आई थिंक आई एम श्योर 2005 से लेकर के अभी तक 2020 आ गया ऑलमोस्ट 15 साल. ये 15 साल की जर्नी बहुत ही लंबी रही होगी. तो इन 15 साल की जर्नी में आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई भी होंगी आपने. तो एक चीज जो जरूर आपसे पूछूंगा मैं इसके बारे में, क्योंकि ये 15 साल का करियर ना, और ये 15 साल का टाइम जो बहुत लंबा है, अप होता है तो डाउन भी रहता है लाइफ में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. और वो जिस टाइप का ये आपका जो बिजनेस है, जो आप जो आर्टिस्ट हो, ये आई थिंक ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा डोमेन है जिसमें आई थिंक उतना एक्सेप्टेंस नहीं रह पाता था आपसे कुछ सालों पहले तक, पर अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. Exactly. तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2005 के जो आपने स्टार्ट करा था, तो उस टाइम में स्ट्रगल क्या था आपका, जो आपने ऐसा क्या फेस करा, कुछ स्ट्रगल वगैरह भी रहे थे आपके उस समय? बस मेरे दिमाग में एक चीज था कि मुझे बस कि मेरे दोस्त और मेरे जान पहचान लोग और कैसा भी मेरे जो पेज जो मैंने फेसबुक बनाया हुआ था कि बस मुझे टैटू आर्टिस्ट के तौर पे लोग देखे. okay. हाँ, तो मैंने कभी उस समय मैंने कोई एम्बिशियस नहीं बनाया था, बस मैं मेहनत ही कर रहा था. okay. उस समय जब मैं मेहनत कर रहा था तो कुछ समय के बाद मुझे अपने आप पता चला कि आई शुड पुट अ गोल, कि मुझे एक एम बनाना चाहिए, मैं करना क्या चाहता हूँ, बनना क्या चाहता हूँ. तो ये समय मैं करता गया तो फिर कुछ समय के बाद मुझे जब लोग बोलने लगे कि सर आप फेमस हैं, सर आपका नाम है, सर आपने उनका बनाया हुआ है, सर आपको वो जानते हैं, सर बहुत सी चीजें हुई मेरे साथ. एक एक्सपीरियंस, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. जैसे अभी आपने बताया कि लोग आते हैं बताते हैं सर आपने उनका बनाया और उनका बनाया, कुछ लेटेस्ट एक्सपीरियंस अगर कुछ. मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि इवन टैटू फेस्टिवल पे, इवन अभी तो मैं टैटू फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उससे थोड़ा आगे आ जाऊँ तो इवन जब मैं अपना सिटी वॉक के अंदर कुछ खाने पीने जाता हूँ तो कोई लोग देख लेते हैं तो फिर सीधा बोलते हैं ये है टेंजिन टैटू, टेंजिन टैटू आर्टिस्ट है. इवन कोई यंगस्टर बहुत हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वो भी अचानक मुझे आ जाते हैं, रोक लेते हैं, देन ट्राई टू टेक अ सेल्फी विद मी. तो वो फील अच्छा होता है, बट आई नेवर टेक लाइक अ ईगो की नहीं 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 लाइक दैट, बट मैं फोटो कोई दिक्कत नहीं. आई थिंक आर्टिस्ट को बहुत जरूरी है, आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है सारी चीजें, की बेशक आप जितने मर्जी फेमस हो जाएं, exactly. अगर ईगो आ गया आपके अंदर तो सीरियसली वो दोबारा बैक टू जीरो हो जाएगा. एग्जैक्टली, यू हैव टू बी वेरी हम्बल. हम्बल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. आप बेशक कहीं भी आगे पहुंच जाओ. बिल्कुल बिल्कुल. तो टेंशन आपने अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक हमने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी देखा, आपने सुरेश रैना जी का भी टैटू बनाया है. आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के आपने टैटू बनाए, कुछ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके साथ भी. आई हैव डन टैटू ऑन कपिल देव की वाइफ पे बनाया मैंने, और अपना बॉक्सर वीरेंद्र सिंह ओके उनकी वाइफ पे, और अपना जो टाइगर श्रॉफ का कौन सा मूवी था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उनके साथ जो है को स्टार, एग्जैक्टली जो उनका मेन को स्टार था उसके अंदर, उनका मैंने बनाया था, उनका उनकी वाइफ का. और दे आर लॉट ऑफ कलर्स सीरियल एक्टर्स, और बाकी तो हमारे जो कुछ ऐसे टैटू बनाना है.
that you know you want today you are one of the best artists in Delhi. Second, people, those are the celebrities, they know you, and the general public like me, they also know you. Mm-hmm. So do you feel the difference in them? And people like me will come to you and say, Tenzin, भाई मेरे को ना यहाँ पर एक हाथ पे एक टैटो बनाना है. So do you feel a difference? Genuinely, अगर मैं बताऊँ तो मुझे honestly मेरी personal view है, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा फर्क लगता नहीं है. Okay. जब मुझे ये जो सेलिब्रिटी हैं, सपोज एन एग्जांपल अभी जो अपना सुरेश राणा जी हैं, वो जब आए थे तो उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात की थी, इंजिन इट्स अ ब्रांड, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, आपका मैंने काम देखा है, आप बहुत जबरदस्त पीस काम वगैरह कर रहे हो, यू आर डूइंग अ सोशल वर्क एज वेल, देन समहाउ लाइक हमारे कन्वर्सेशन के बीच में तो उन्होंने जो आईपीएल खेला था धर्मशाला में, हाँ जी, जो उनको आधा घंटा मिला था दलाई लामा के साथ. Okay. तो उन्होंने अपनी बात शेयर की, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जो वाइब है स्टूडियो का, मुझे बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली आई विल कम बैक. तो ऐसे बात करते करते इवन सुरेश राणा जी ने ये भी बात साफ बताया था कि पाजी इन द सेंस मेरे ख्याल में धोनी जी के बारे में बात. सुरेश राणा जी ने जब मुझे ये बात बताई जब मैं बना रहा था, तो वो किसी फोन कॉल पे थे, तो उसी समय उन्होंने मुझे बताया पाजी को भी बनाना है कुछ संस्कृत पे. तो उस समय मुझे जब बताया था कि फिर मैंने बस इनडायरेक्टली मैंने यही बोला था कि बस बताओ कौन सा डे फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूँ. कहाँ है? रांची. हाँ, तो आप रेडी थे? तो सुरेश भाई ने आपको रेफर करा कि यार आप धोनी पाजी का भी जाओ और आप टैटू बनाओ कुछ संस्कृत में. हाँ, क्योंकि सुरेश राणा इवन पाजी का भी जो टैटू डिजाइन अभी मैंने डिसाइड लास्ट टाइम हमने बैठ के डिसाइड किया था, वो बन नहीं पाया था बिकॉज ज्यादा रात हो रही थी. तो उनके साथ जो उनके जो मैनेजर वगैरह जो कलीग आए थे, तो उन्होंने बोला ज्यादा लेट हो गए, हम बाद में आएंगे. मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च की बात कर रहे थे उस समय. फरवरी मार्च. तो आपने जितने फेमस सेलिब्रिटीज हैं इनके सारे टैटूज बनाए हैं और ऑलमोस्ट 15 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी रहा है इसमें. टेंशन, एक चीज और जरूर पूछूंगा आपसे कि ना सोसाइटी में ना इस चीज को लेकर टैटू को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज्यादा. फॉर एग्जांपल जो मेरे पेरेंट्स के एज के लोग हैं, जो मैं स्पेसिफिकली बात करूं वो 60 प्लस में है, आज भी अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा मेरे को बाहर जाना है, मेरे को टैटू बनवाना है, तो माइंड में सबसे पहले ये चीज आती है कि टैटू बनवाएगा ना स्किन कैंसर होने का डर रहता है, मत बनवा. एग्जैक्टली. हो सकता है शायद उन्होंने सिर्फ वैसे टैटू आर्टिस्ट देखे हैं जो ऋषिकेश में साइड में बैठे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स लेके बैठे हुए हैं, शायद वैसे टैटू आर्टिस्ट देखे हैं. शायद जो अब जैसे जैसे आप जैसे टैटू आर्टिस्ट हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिन लोगों के पास, शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है. तो इसके बारे में कुछ मैसेज आपका, जो ये मिसकंसेप्शन चलता है यार कैंसर हो सकता है. मैं इसके बारे में बस ये कहना चाहूंगा कि अब समय चेंज हो चुका है, बीमारियां भी अलग अलग तरीके के जो अभी कभी हमने सुना ना हो ऐसे नाम निकल रहे हैं अब आने सा, वैसे ही जो रोड साइड पे जो टैटू बनता है वो बेशक ऋषिकेश हो, गोवा हो, कहीं पे भी हो, जेन्युइनली करना ही नहीं चाहिए सीरियसली. हाँ, अगर अब ये होता है कि करना नहीं चाहिए, मतलब अब मैं डेफिनेटली मुझे जहां तक मुझे लगता है 40% ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन जितने भी लोग डेफिनेटली जो अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, जो कुछ दिमाग में इमेज बनाते हैं फिर चले जाते हैं उनके पास मशीन होता है जो कम्प्लीटली स्टेराइज नहीं होता, वो पड़े हुए होते हैं, वो लोग किस चीज से धोते हैं, किस चीज से साफ करते हैं पता नहीं, कलर कौन सा ब्रांड का है, कलर कौन सा है, इस कलर में कौन सी चीज डाली हुई है, किसी को कुछ नहीं पता, या कोई बैटरी का कलर हो या वाटर कलर हो, क्या हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो डेफिनेटली ये बीमारियां क्रिएट करेगी, ये बीमारी 100% क्रिएट करेगी. अगर हम एक टैटू स्टूडियो में आते हैं जिसके अंदर हाइजीन लेवल सॉलिड 100% हो, पूरा अंदर एयर कंडीशन से सोफा सेट एवरीथिंग चेयर टेबल सब कुछ आपके सामने स्टेरिलाइज किया हो, हाइजीन तरीके से रखा हो, मन में 70% आपको तसल्ली हो जाती है, अंदर में मेंटली हो जाती है, साइकोलॉजिकली. हाँ, साइकोलॉजिकली आपको पूरा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मैं सेफ हूँ, ये बहुत हाइजीन है, मैं करूंगा. बस उसके बाद 10% में डर रहता है दिमाग में कि दर्द कितना होगा, ये चीजें भी रहती है. तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है अगर आप रोड साइड पर जो लोग बैठे रहते हैं उनसे कराओगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हाइजीन वाइज कितना कितना ऑथेंटिक है
और क्या क्या सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, किस टाइप का कलर यूज कर रहे हैं, मशीन्स को भी वो ढंग से स्टाइलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? वो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। और मैंने जनरली, आपने ये टॉपिक छेड़ी है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। जो ये क्या बोलते हैं टैटू खराब, वो तो बहुत नॉर्मल है, उससे ज्यादा भयंकर मैंने देखा हुआ है लोगों को। इवन लोगों को मैंने टाइम दिया हुआ है अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ज्यादातर जो हैं स्किन डॉक्टर्स, वो भी मुझे एडवाइस करते हैं, इवन वो मुझसे टैटू बनाते हैं। जो अपॉइंटमेंट मैं बता रहा हूँ वो खुद ही उन्होंने भी मुझे बताया हुआ है कि ऐसे अपॉइंटमेंट बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्किन में किसी को एलर्जी हो जाती है, सबकी स्किन अलग अलग होती है, क्वालिटी टाइप अलग अलग होती है, तो इन चीजों में बहुत मैटर करता है। तो इन चीजों में भी एक ऑइंटमेंट अलग अलग तरीके के, किसी को स्ट्रॉन्ग, किसी को माइल्ड, किसी को ठीक ऑइंटमेंट, सब अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर अगर मान लेते हैं, अगर जैसा भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं स्किन पे एलर्जी वगैरह हो जाती है, आई थिंक बहुत कॉमन देखा भी गया है, अगर कोई टैटू बनाते तो रैशेज आ जाते हैं, थोड़ी एलर्जी आ जाती है। एग्जैक्टली, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताओ, अगर कुछ कुछ ऐसा कुछ होम बेस्ड सोल्यूशन भी हो सकता है इसके लिए? मैं इसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही दूंगा, अपने टैटू, आपका जो टैटू है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहां से बना रहे हो? सेकेंड पॉइंट, टैटू को साफ रखो, नीट रखो, ऑइंटमेंट टाइम टू टाइम लगाओ। जब भी ऑइंटमेंट लगाओगे कभी टैटू के ऊपर गाढ़ा मत लगाइएगा। क्योंकि जिस तरह से हम ब्रीथ करते हैं हमारी स्किन भी ब्रीथ करते हैं। बिल्कुल, जब आप इसके ऊपर पूरी वैसलिन की तरह पूरा ऊपर एक ऑइंटमेंट थोप दोगे, लगा दोगे, पूरा कवर कर दोगे, तो उससे स्किन ब्रीदिंग हो नहीं पाएगी, स्किन में घुटन होगी, जिससे रेडनेस होगा। रेडनेस से क्या होगा, आगे बढ़ेगी एलर्जी आएगी, एलर्जी आएगी तो ऑब्वियसली बात है और जो भी आपका जो सब्सटेंस जो आप अप्लाई करते हो टैटू पर, उसको एक वैसलीन की तरह भर भर के ना लगाएं, ताकि आपकी स्किन भी ब्रीथ कर पाए। ठीक है जी। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा देखी गई है टैटूज को लेकर कि अभी जैसा मशीन्स के बारे में बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी आई थिंक जब आपने 2005 में जब स्टार्ट करा था, हाँ जी, तब उस टाइम पे कुछ और टेक्नोलॉजी थी और आज के टाइम में कुछ और टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली, उस टाइम पे कुछ आई थिंक बहुत बड़े नीडल्स होते थे और आज के टाइम में कुछ और ही नई टेक्नोलॉजी आ गई है। Exactly. उसके बारे में अगर प्लीज थोड़ा सा बता दें तो आप। उसके लिए ये रहा द मेन बेसिक डेमो। ओके, दोनों हैं जर्मनी के, तो ये दोनों मशीन जर्मनी की है। हाँ, ये क्वाइल मशीन है जो बहुत हेवी होती है। ओके, और उस समय इसके नीडल्स ऐसे ही आती हैं, जो बहुत से लोगों को पता है ये नीडल, इस नीडल के बारे में, जो साउंड बहुत करता है ये मशीन। ओके, इसको बोलते हैं क्वाइल मशीन। ओके, तो ये मशीन अभी भी लोग यूज करते हैं, ये जर्मनी से ही बनाया हुआ मशीन। ओके, ये आपके पास जर्मनी की मशीन है आपके? हाँ जी, ये चाइनीज ब्रांड में भी आते हैं। ओके, जो ज्यादातर खराब हो जाते हैं। These are machine, these machines are costly, honestly, very costly. How much does it cost, if I may ask you? This might be 32,000 something. सिर्फ this metal, this entire metal will cost you 32,000 rupees. हाँ, amazing. ये even when जो मेरे students होते हैं, उनके लिए तो मैं normal basic machines ही order करता हूँ, coil का। Okay. जो करीब आ जाते हैं 3-4 हज़ार में। Okay. बस उनके हाथ बैठने के। बाकी जब हम मशीन इसके साथ जब यूज करते हैं ये नीडल, तो इसकी साउंड बहुत होती है इस मशीन की। ओके, तो उस समय ये यूज करते हैं, ये अभी फिलहाल अभी भी आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं। तो ये अभी भी ये ट्रेंड में मशीन्स और ये नीडल्स, बिकॉज़ दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। बट इज दिस सेफ इनफ कंपेयर्ड टू द करंट ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजी? सेम, एवरीथिंग सेम, दीस आर लाइक मेडिकल नीडल्स। ओके, मेडिकल नीडल्स। हां, ये कंप्लीटली और ये वन टाइम यूज ही रहते हैं सर? वन टाइम यूज रहता है। और ये जो अब के जनरेशन के जो मशीन निकली है वो है दिस। एंड विच मशीन इज दिस? ये भी एक जर्मनी का ही है। ओके, इसका ब्रांड का नाम बिशॉप है। ओके, बिशॉप। हाँ, बिशॉप। और ये भी जर्मनी का मशीन है? एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ, इसको हम रोटरी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर एक बैटरी होती है जो मूव करते रहते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम की एक तरीके से की वारंटी होती है। दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। दोनों में से सेफ ज्यादा कौन सा है? सेफ, आई विल गो विद दिस। पेन और पेनलेस, क्योंकि कई बार ना पेनलेस मेंटल, दोनों में पेन और पेन यहां पर रहता है। मैं जनरली बताऊं, साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ज्यादा ये देता है, पेन आवाज बहुत तेज है। अच्छा, हाँ, और ये आपको थोड़ा रिलैक्स रखेगा, बस थोड़ी सी स्किन को आपको थोड़ी सी ये होगी, जैसे कि जिस क्या बोलते हैं, तो हल्की सी इरिटेशन होगी,
बाकी ये बहुत हल्की होती है, कंफर्टेबल होती है, इससे मैंने बहुत बड़े बड़े पीस बनाए हैं. Okay. हाँ, फुल बैक बनाए हुए हैं, फुल हाफ बनाए हुए हैं, फुल लेग बनाए हुए हैं. एंड ये मशीन गर्म नहीं होती. लाइट वेट भी है और इसका पेन भी आपको उतना नहीं रहता क्योंकि आपने इससे बहुत बड़े बड़े पीसेस कराए हैं. अमेजिंग. सो गाइस, इनकेस अगर आप लोग टैटू बनवाना चाहते हो तो देखो, दो मशीनें हैं, एक ये बड़ी मशीन है मेटल की और दूसरी मशीन है छोटी सी है मेरे हाथ में. तो अगर दर्द ज्यादा होता है तो मेरे भाई मशीन ये वाली यूज करवाना. ये चेक करना आपको कौन आपका टैटू आर्टिस्ट किस टाइप की मशीन यूज करता है, क्योंकि ये मशीन आपको कम पेन करेगी. और मैं तो ये रेकमेंड करूंगा, इन केस इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर अ न्यू टैटू, देन ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन हु कैन यू नो गेट यू इंक और ये नीडल भी. और ये छोटे मशीन के साथ में सारे नीडल्स रहते हैं. ये छोटे मशीन के लिए, ये छोटे मशीन का नीडल है. हाँ, जो आपकी जनरेशन लोग यूज करते हैं. हाँ जी, ये है अपना 2000 से पहले, 2000 से पहले की मशीन. अमेजिंग, अमेजिंग. और एक और चीज आपसे पूछूंगा टेंजिन, अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू अगर आपके पास आता है, कोई रेफरल कोड के साथ आता है या कोई रेफरेंस आता है, इन केस अगर कोई आता है, विल देयर बी एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर देम अबाउट लाइक व्हाट और एनीथिंग अबाउट डिस्काउंट और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. What is that you would like to give them after them? Definitely, we will see वो क्या बनाना चाहते हैं. Okay, so this definitely. This is typically based on the art, the piece that you will create. Exactly, exactly. Great. So guys, in case अगर अब आपको tattoo बनवाना है, now you know the person. Who is the person? He is a person. Tenzin. The studio is in MGF Saket on the ground floor. Come meet him. He'll create the piece for you, and discount would also be there. So, basis on the art, basis on the piece that he'll create for you. So, Tenzin, एक चीज और आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे you know, आप especially talk about the young generation, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है मेरे पास ना कुछ आर्टिस्टिक है, मेरे को स्केचिंग वगैरह बहुत अमेजिंग हो जाता है मेरा. डू यू थिंक दैट दे कैन ऑल्सो गेट इन टू द सेम same domain, maybe they can create, they can become a tattoo artist? Damn sure. ये जो आपने बात की ये exactly pointed है. बहुत से ऐसे students हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरे ख्याल में 20-25 की उम्र के होंगे, जो उनकी drawing की जो कला है ज्यादा अच्छी है. Okay. क्या पता हमसे भी ज्यादा अच्छी हो, जो artist है उनसे ज्यादा अच्छी हो, बस वो लोग use नहीं कर पा रहे और उन्हें कोई guide नहीं कर पा रहा. वो सोचते हैं बस मैं अगर यहाँ पे बैठ के एक स्केचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं जो मिनी स्केचिंग करते हैं ना. हाँ, ऐसे इवन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं. कल क्लाइंट आया था, उसने अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखा, तो मैंने पूछा आपका बॉयफ्रेंड करता है क्या. वो लड़की होगी मेरे ख्याल में 22-23 साल की होगी, और लड़का होगा वो 24 साल का होगा. तो बोला वो स्केचिंग करता है. Okay. प्रोफेशनल स्केचिंग करता है. प्रोफेशनल स्केचिंग करता है. अब ये प्रोफेशनल चीज हो गया जो उसकी हॉबी है. अब आ गई दूसरी बात, कमा कितना रहा था वो. मैंने पूछा वो कितना अर्निंग करता है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है. ही विल कैरी दिस हिज हॉबी इनटू प्रोफेशनल, तो ही कैन इजीली कैरी ना. तो मैंने बोला कि अगर उसे टैटू के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसे टैटू में बोलो, टैटू के अंदर ध्यान दो, सो ही कैन डू सो मच बेटर. क्या पता कल वो बहुत जबरदस्त बन जाए. कुछ नहीं पता. तो क्योंकि ये चीजें कोई गाइड नहीं करता, और बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीजें आती नहीं है कि मैं स्केचिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ. अब जैसे कि मेरे पास अभी तीन स्टूडेंट्स हैं, तीनों में से एक स्टूडेंट बहुत जबरदस्त है स्केचिंग में. इवन इसने 10 साल से कोर्स किया हुआ है फाइन आर्ट्स में, सो ही इज इनटू दैट. तो जब भी वो कुछ स्केचिंग करता है तो फिर बाकी दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह डेफिनेटली हिल जाते हैं कि देखते रहते हैं कि इसका हाथ बहुत जबरदस्त है. तो मुझे बोलते रहते हैं सर इसका हाथ बहुत जबरदस्त है, हाथ बहुत अच्छा है. तो मैं यही कहता हूँ कि उसको जितना हाथ जबरदस्त उसने 10 साल बिताया हुआ है, अब जब तुम लोग अभी स्टार्ट होगे जो हफ्ता दो महीना या ऐसा कुछ हुआ है और ध्यान दोगे, आपका भी हाथ ये डेफिनेटली होगा. मेन चीज प्रैक्टिस. एक चीज और पूछूंगा इस पर, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जिस बच्चे का आर्टिस्टिक है, जो ड्रॉइंग कर लेता है, स्केचिंग कर लेता है, क्योंकि एक वो राइट डायरेक्शन, एक राइट विजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी वो सिर्फ एक वो ड्राइंग या स्केचिंग सिर्फ एक हॉबी ही रह जाती है. तो नेक्स्ट स्टेप इज दे कैन बिकम अ टैटू आर्टिस्ट.
कितना कमा लेता है एक बच्चा, अगर कोई नया नया बच्चा कोई बनता है टैटू आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, क्योंकि ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, एज अ हॉबी तो अभी वो स्केचिंग कर रहे हैं, पर एज अ टैटू आर्टिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट, व्हाट इज द बिगिनिंग, व्हाट इज दैट दे कैन मेक इन द ये डिपेंड करेगा लड़के या लड़की हो, उनकी जो आर्टिस्टिक कला होगी वो बहुत मैटर करेगा. ओके. हाँ, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनली सीख भी जाए मान लो 3-4 महीने के बाद, अब सेकंड पॉइंट आता है प्लेटफॉर्म. ओके. कर कहाँ पे रहा है, काम कर कहाँ रहा है, और काम वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. अगर आप उसको काम मिल रहा है देन आई कैन गारंटी, अगर वो टैटू प्रोफेशन से पहले मेरे ख्याल में अगर मिनिमम टू मिनिमम मंथली 8,000 कमा रहा है, तो टैटू में मेरे ख्याल में 30-40 तो कमाना स्टार्ट हो जाएगा. इजीली 30-40 हजार आराम से कमाना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर वो टैटू आर्टिस्ट अगर आपके पास आता है एज अ एम्प्लॉई, मेरे जनरली बताओ मेरे आर्टिस्ट तो आप मान लीजिए हफ्ते में 40 कमा लेते हैं. हफ्ते में 40,000 रुपए कमा लेते हैं. इवन दे आर ऑन 35% शेयर. दैट्स समथिंग. 35% शेयर. हाँ, और 40. तो अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइपोथेटिकल फिगर, अगर किसी ने 1,00,000 का काम करा तो 35,000 रुपए उसका. आराम से. तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों के पास वो स्केचिंग, अगर आप लोगों के पास वो आर्टिस्टिक कला है आपके पास, तो टैटू बनाओ, एक हफ्ते में 40,000 रुपए कमाओ. और कहाँ पे सीख सकते हो, किसके पास काम कर सकते हो, कौन आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है, देन दिस इज द पर्सन गाइज. टेंजन इज द पर्सन हु कैन टेल यू, टेंजन इज द पर्सन हु कैन टीच यू. आई थिंक टेंजन आप सिखाते भी, आपने बताया आपके पास 3 स्टूडेंट्स भी हैं अभी. मेरे पास प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर ही मोर देन 5 स्टूडेंट्स. एक स्टूडियो साउथ एक्स में है, सॉरी ये अपना लाजपत नगर में है. एक स्टूडियो जो अच्छा चलता है, एक है वेस्ट दिल्ली में, और एक स्टूडेंट मेरे साथ काम करता है, बाकी एक दो स्टूडेंट्स और हैं जो डेली में ही काम करते हैं, जिन्होंने अपने स्टूडियोस वगैरह ओपन करे हैं आराम से. वो दे आर आई विल नॉट से लाइक फेमस और लाइक दैट, बट दे आर रनिंग गुड, दे आर रनिंग गुड मनी. हां, अमेजिंग. आई थिंक एंड ऑफ द डे व्हाटएवर यू डू, वेदर यू आर क्रिएटिंग टैटूज और वेदर यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड, मनी. Exactly. और आई थिंक अगर आपके पास वो हॉबी है तो उसको क्यों ना प्रोफेशनली. दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग. अगर आपके पास कला है, ज्यादा सोचिए मत. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और लाइन पे हो और आप करना ये चाहते हो, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा. जैसे मैंने टाइम अपना वेस्ट किया है, टाइम खराब किया है, या मैं कहूँ कि मुझे बहुत नॉलेज मिला है जो मैंने अपना ये 3-4 साल जिस चीज में बिताया है, तो मैं जब मैं टैटू में आ गया तो मुझे ज्यादा नॉलेज मिली है. तो ज्यादा नॉलेज मिली है, जनरली मुझे नॉलेज मिली है. अगर मैं हेयर ड्रेसिंग में नहीं होता तो मुझे कस्टमर की वैल्यू नहीं पता चलता. कस्टमर का मतलब क्या है मुझे नहीं पता चलता. एक कंपनी कैसे रन होती है मुझे नहीं पता चलता. ये चीजें प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है मुझे पता नहीं चलता. तो ये चीजें, बहुत सी चीजें मैंने ग्रोथ की है. कन्वर्सेशन क्लाइंट से कैसे करना है. मैं हमारे समय पे तो हमें क्लाइंट के साथ, हमारे जो हमारे एचआर हैं वो क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट का मतलब, क्लाइंट कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमारे पास 3-4 पन्ने होते थे. इवन आई एम वर्किंग इन अ सैलून, फिर भी हमें पेपर पढ़ना पड़ता है. आपका जनरेशन जो है उसके लिए कुछ नहीं, दुकान खुला है, बस यहाँ टैटू बनाओ, काम करो. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्हें जानना बहुत जरूरी है. व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ कस्टमर, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए. बिल्कुल. हाँ, जेन्युइनली. कोई होता है कमर पे हाथ रख के बात करते हैं, कोई ऐसे करके बात करते हैं कस्टमर के साथ. बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज टैटू सीखने से पहले ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी. हाँ, सीरियसली. इवन आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, आइदर माय हैंड विल बी फोल्डेड डाउन, आइदर आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. आई एम रिस्पेक्टिंग यू, दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज वी आर गिविंग अ रिस्पेक्ट टू द पर्सन. एब्सोल्युटली, वो बेसिक है, वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं. और यही सारी चीजें हम अपने कवर करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में भी. आई डू दैट. मैं जब भी इनसे बैठता हूँ कि वो लोग पूरा दिन स्केचिंग करते रहते हैं, लास्ट एंडिंग में बिठा के मैं बात करता हूँ. तो गाइज, अगर आपको टैटू बनाना सीखना है, आपके पास वो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, आपके पास वो कला है, देन आई मस्ट रिकमेंड यू कम एंड मीट हिम. आई शेयर हिज इंस्टाग्राम आईडी इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई वुड ऑल्सो शेयर हिज एड्रेस. So come meet him and see that if you can grow as a tattoo artist. Tenzin, last year, aapse puchunga bhai, what is your recommendation to the new generation?
So, about tattoos. About tattoos. Yeah. Generally. What is that? What is that? What is that? You know, you would like to share basis your experience or आपके आपके learning के basis पे अगर किसी को नया tattoo artist बनना है तो. अच्छा अच्छा सबसे important चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि don't think about easy going. हर चीज़ को मेहनत करना पड़ेगा और जब मेहनत करे हो मेहनत आप जब करते हो तो उस समय सबसे important चीज़ रहता है patience. अब आप ये मत सोचिएगा कि आप आज स्टार्ट कर रहे हो एक हफ्ते के बाद आपके पास चार पांच कस्टमर आएंगे. जब आपने टैटू इंडस्ट्री में पाँव रख लिया है लर्न कर लिया है क्लास ले लिया है तो आप इतना इजीली मत सोचिएगा. आपको टाइम लगेगा उस टाइम का इंतजार करिए और मेहनत करते रहिए. सबसे कॉम्पिटिशन जरूर मिलेगा अपने आप ही मिल जाए. करिए थैंक यू सो मच एंजल. People will learn a lot of things from this interview. Thank you so much for your time. Definitely.